एक, एक ट्रे, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह इसको तैयारी करेंगे हम मैं ये कहना चाहती थी मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे थोड़ी सी स्पीड में डिस्कशन होगा बट मजा आएगा आपको और पेपर में काम आएगा सबसे ज्यादा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रख करके चलेंगे ओल्ड स्कूल वे में सीखेंगे ओल्ड स्कूल कैसे भाई हम बचपन से चौक और बोर्ड भी सीखते आ रहे हैं ना तो चौक और बोर्ड के थ्रू ही चलेंगे पेन और बोर्ड के थ्रू जब जरूरत पड़ेगी कभी पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे नहीं तो इग्नोर करेंगे क्यों क्योंकि समय बचाना है समय कम है और टॉपिक्स ज्यादा है तो कोशिश रहेगी कि चैप्टर वाइज जितना हो सके सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर हो मेन पॉइंट्स क्योंकि अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो हम बात करेंगे साइकोलॉजी क्या है भाई मनोविज्ञान है क्या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कैसे विकसित हुए और कैसे अलग अलग संप्रदाय आए इसके अंदर इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट का पूरा कंप्लीट टॉपिक हो सकता है ये क्लास बड़ी हो एक घंटे की डेढ़ घंटे की है ना ये एक कंप्लीट टॉपिक बहुत सारे सवाल जैसे अभी रीट में आई थिंक एस्टेट में भी एक क्वेश्चन आया था कि एडोलेसेंस में कितना वेट होगा बच्चे के सर का यानी उसके ब्रेन का क्या वेट होगा इस पर एक क्वेश्चन आया था अभी कहा हरियाणा में ये रुक रुक के क्यों चल रही है भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी अगर रुक रुक के चलेगा तो है ना पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा बट ठीक है तो इस तरीके के जो क्वेश्चन को भी बीच बीच में लेते हुए चलेंगे ठीक एक अलग नोटबुक बना लीजिए इस टॉपिक की क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में तीन दिन थ्योरी हो और तीन दिन क्वेश्चन भी हो तो नोटबुक बनाइए ये सी की एक नए तरीके से एक नए ढंग से जितना भी आपने अब तक यूट्यूब पर पढ़ा था उसको साइड कीजिए और अभी अपडेटेड वे में प्रॉपर हम इसको समझेंगे आप नोटबुक बनाते चलिए और डेली के डेली नोट करिए क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा जहां से मिले सॉल्व कीजिए कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में पूछिए ठीक है बात लाइव रहेगा डेली साढ़े नौ बजे नौ पैंतीस तक शुरू कर देंगे ठीक है बात

इंपॉर्टेंट जो है उस पर जरूर ध्यान देंगे इससे आपका जितना भी, भी तो लाइक के के शेयर तो like, पहले कर दीजिए है ना उसके बाद ही कहानी आगे शुरू की जाएगी ऑडियो वीडियो सब बढ़िया होगी मेरे ख्याल में चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं हम बात करेंगे साइकोलॉजी की फिलॉसफी की ये कैसे इसका जन्म हुआ स्कूल्स कौन से हैं है ना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है फिर डेवलपमेंट पे जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं फिर उसमें भी हम स्टेजेस पे बात करेंगे कौन सी स्टेज को क्या कहते हैं बहुत बहुत सारी डिटेल्स हैं तो स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहला अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी की बात करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से ही संबंधित है इस बात को समझने में किसी को दिक्कत नहीं है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान ठीक ये मत सोचिए कि एक बार में जो लोग लो नया पढ़ना शुरू करते हैं सब्जेक्ट को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोलॉजी को उनको आ, ये लगता है कि समझ में नहीं आ रहा हो सकता है थोड़ा देर से समझ में आए दो चार बार देखनी पड़ जाए वीडियो या दो चार बार डिस्कशन करना पड़ जाए किसी से और जो लोग एक आध बार पढ़ लेते हैं उनको ये गलतफहमी भी हो जाती है कि हमें सब कुछ आ गया तो बीच में बैलेंस बना के चलना है कि चीजें हम ढंग से समझें बिना ओवरवेलम हुए बहुत ज्यादा बह करके भावनाओं में नहीं टॉपिक को समझ करके फिर क्वेश्चन लगाए उससे रिलेटेड ठीक साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान अब ये जो साइकोलॉजी है जिससे जुड़ी हुई ये बात है चाइल्ड डेवलपमेंट की ये किसका हिस्सा हुआ करता था सोलहवीं शताब्दी में फिलॉसफी का फिलोसफी को यानी दर्शन शास्त्र को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है यानी सभी विज्ञानों की का जनक कहेंगे या जननी कहेंगे जनक नहीं कहेंगे है ना तो फिलॉसफी से निकली फिलॉसफी से फिलॉसफी से अलग हुई हम ये कह सकते हैं सिक्सटीन सेंचुरी में इसको अगर तोड़ करके देखें साइकोलॉजी शब्द को तो पहली बात तो ये कि पहले फिलॉसफी में थी अभी अपने आप में एक अलग पूरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी तो कहां से आई तो दर्शन शास्त्र से आई ये कह सकते हैं दर्शन शास्त्र से अलग हुई साइकी प्लस लोगोस एक शब्द है अगर इसकी इटेमोलॉजी या शाब्दिक अर्थ देखें तो साइकोलॉजी निकला है दो शब्दों से बना है साइकी प्लस लोगोस साइकी का मतलब होता है आत्मा हालांकि अलग अलग समय पे इसका अर्थ बदलता चला गया और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन यानी स्टडी ठीक लोगोस का मतलब है स्टडी कई लोग इसको साइंस भी कह देते हैं और साइकी का मतलब हुआ सोल कई बार कई जगह पे आपको इसका मतलब मन भी देखने को मिलेगा शुरुआत में यानी सिक्सटीन सेंचुरी में एरिस्टोटल के टाइम पे अरस्तु जिनको हम कहते हैं एरिस्टोटल के टाइम पर जो साइकोलॉजी है वो क्या है स्टडी ऑफ सोल है यानी आत्मा का अध्ययन हुआ करती थी ये समय बदला सिक्सटीन सेंचुरी के बाद सेवनटीन सेंचुरी आई जॉन लॉक आए, आए पॉम्पोनॉजी आए और इसको माइंड यानी मस्तिष्क यानी मन का अध्ययन कहा जाने लगा यानी सोल से हट करके ये बन गई माइंड की स्टडी कब सेवेंटीन सेंचुरी के अराउंड सत्रहवीं शताब्दी के अराउंड ये बात तो ठीक है समझ में आ रही है यहां तक तो कोई दिक्कत हो रही है किसी को किसी को कोई दर्द समस्या हो रहा हो रही हो तो बता दो एक बार भाई साइकोलॉजी दो कहां से निकली फिलोसफी से फिलॉसफी क्या है दर्शन शास्त्र है बिल्कुल भी जल्दी में नहीं रहूंगी मैं मतलब टॉपिक टू द पॉइंट रहेंगे बट बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे जिससे दिक्कत हो आपको क्योंकि मेरी नॉर्मल स्पीड भी तेज ही होती है दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से साइकोलॉजी निकला ये कह सकते हैं अलग हुआ साइकोलॉजी बना किससे है दो शब्दों से साइकी प्लस लोगोस ग्रीक वर्ड है, वर्ड कौन से है? ग्रीक। अगर हम बात करें तो आत्मा प्लस अध्ययन साइकी का मतलब सोल लोगोस का मतलब स्टडी क्लियर है ये बात शुरुआत में इनिशियल डेज में इसको सोल की स्टडी कहा गया यानी साइकोलॉजी का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन स्टडी ऑफ सोल आत्मा का अध्ययन इनिशियल टाइम पीरियड में आत्मा का अध्ययन हुआ करती थी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान यानी सोलवी शताब्दी हम कह सकते हैं सिक्सटीन सेंचुरी की ये बात होगी अगर हम टाइम पीरियड भी साथ के साथ देखना चाहें तो ठीक उसके बाद सोल के बाद क्या बात आई माइंड की बात आई कुछ लोगों ने कहा अरस्तु और रेने डिकाटते इस तरह के जो लोग थे उस टाइम पे सोलहवीं शताब्दी में वो कहते थे आत्मा का विज्ञान आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान है ठीक है मान लिया समय बदला अलग अलग विचारक आए लोग आए सत्री शताब्दी के अराउंड ये माना जाने लगा अलग अलग थिंकर्स के द्वारा कि साइकोलॉजी क्या है मन का अध्ययन है माइंड का आत्मा ना होकर के क्योंकि आत्मा तो कोई टच नहीं कर सकता पता नहीं क्या है और एक एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है तो मन पे आ गए माइंड इसके मानने वाले अगर एक एक व्यक्ति का नाम लिखें तो एरिस्टोटल या अरस्तु अरस्तु और अगर मन की बात करें तो पॉम्पोनॉजी ठीक ठीक है बात फिर नेक्स्ट अब नाइनटीन सेंचुरी आई एटीन तक यही कहानी चली नाइनटीन सेंचुरी यानी उन्नीसवीं शताब्दी तक फिर से कुछ लोग आए विलहम वुंट जैसे उन्होंने कहा ये तो कॉन्शियसनेस है भाई मन मन कुछ नहीं अब कॉन्शियसनेस चेतना चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान चेतना आपकी फ्रेंड नहीं मेरी सिस्टर नहीं कॉन्शियसनेस ठीक वुंट को हम इसमें शामिल कर सकते हैं विलहम ठीक ये वही व्यक्ति जिन्होंने पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी को ओपन किया उस पर हम अभी आएंगे फिर 20वीं शताब्दी आते आते ट्वेंटी सेंचुरी यानी आज के समय में प्रेजेंट में हम क्या मान रहे हैं इसको को भी छोड़ दिया लोगों ने बिहेवियर पे उन्होंने बिल्कुल सर से नकार दिया सबको क्या सोल क्या कॉन्शियसनेस कहा सब हमारे सामने तो बिहेवियर दिखता है हम तो बिहेवियर की स्टडी करेंगे और उसी को मानेंगे ठीक है मान लिया तो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान बन गया व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान बन गया मानने वाले लोग वॉटसन अगर मेजर नाम लिखना चाहे तो वॉटसन ये वही वाटसन है जो कहते हैं कि मुझे एक दर्जन हेल्दी इन्फेंट दे दो एक दर्जन दूध पीते बच्चे दे दो मैं उनको जो चाहे बना सकता हूं कंडीशनिंग करके चोर सिपाही डॉक्टर वकील जो आप चाहें साइंटिस्ट तक है ना फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है इनको वॉटसन को अगर मैं बात करूं तो एक कोट है इसके बारे में एक कथन चलता है वुडवर्थ का वो कहते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल यानी पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई देन इट लॉस्ट इट्स माइंड फिर इसने अपना मन खोया देन कॉन्शियसनेस फिर चेतना को खोया एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ़ बिहेवियर इज लेफ्ट यानी अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है Soul, soul यानी कि पहले आत्मा का अध्ययन थी फिर मन को खोया यानी मन का अध्ययन हुई उससे भी आगे आगे, फिर कॉन्शियसनेस यानी चेतना का अध्ययन बनी अब चेतना को भी छोड़ दिया व्यवहार का अध्ययन है तो अगर क्वेश्चन आए कि साइकोलॉजी का इनिशियल मतलब क्या था या इसका इटमोलॉजिकल या शाब्दिक अर्थ क्या है तो हम कहेंगे आत्मा का अध्ययन सोल लेकिन प्रेजेंट डे में आज के टाइम पर क्या है साइकोलॉजी तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी या मनोविज्ञान है प्रेजेंट सिनेरियो में अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है ऐसा हम मानते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग अलग जगह पर अगर आप क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो आपको पता लगेगी ये बात शुरुआत कहां से हुई सोल से आज के समय पे क्या है साइकोलॉजी मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है इस बात को समझने में कोई दर्द दुख परेशानी तकलीफ हो तो बता दीजिए बता दीजिए क्लियर है ना ये बात और सात हजार दो सौ चौदह लोग देख रहे हैं सिर्फ छप्पन सो लोगों ने लाइक किया देखो लाइक करना यहां महत्वपूर्ण नहीं है बट मुझे दिखता रहता है और मेरा मन कर जाता है बोलने का है ना चलिए रोबोट की तरह नहीं पढ़ेंगे बीच में बात जरूर करूंगी पहले बता रही हूं आगे बढ़ जाए ये पूरा ट्रांजिशन रहा किसका साइकोलॉजी का अलग अलग समय पे अलग अलग विचारक आए उन्होंने पहले विचारों को नकारा और नए विचार अपने रखे ठीक थ सेंचुरी से देन नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरी अब 17वीं शताब्दी में सेवेंटींथ सेंचुरी के अंदर एक बात कही एक व्यक्ति ने जिनको कहते हैं जॉन लॉक ताले वाला लॉक याद रख लीजिएगा ताला लॉक ठीक जॉन लॉक क्या कहा इन्होंने जॉन लॉक कह रहे हैं कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुलर आशा माइंड ऑफ अ चाइल्ड is यहां लिख देती हूं टैबुला रासा यानी तबुला रासा क्या है बच्चे के ब्रेन को या माइंड को मन को इन्होंने क्या कहा टैबुल रासा यानी तबुला रासा कहा ठीक है बात इसका मतलब क्या है ये जॉन लॉक थे क्या ये जो विचार था ये बिहेवियरिज्म का विचार था डेली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो डी प्लस बी है उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जॉन लॉक का विचार या जॉन लॉक क्या कहां से इस बात को आप कहेंगे तो हम कहेंगे बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद ठीक हालांकि ये बहुत सारी चीजों में बिलीव करते थे उस पर नहीं जाएंगे बट अभी के लिए हम ये मानेंगे अगर ये पूछे ये विचार किसका है माइंड ऑफ अ चाइल्ड रास्ता तो हम कह देंगे बिहेवरिज्म का ठीक है बात टू द पॉइंट बात कर रहे हैं टेबुलर आशा का मतलब क्या है ये जो टेबुलर आशा लिखा हुआ है इस टेबुला राशा का मतलब है ब्लैंक स्लेट यानी खाली है दिमाग ब्लैंक स्लेट है जो चाहे लिख सकते हो जैसे अनुभव चाहे दे सकते हो जो चाहे बना सकते हो कोरा कागज है है ना गाना मत गाने लग जाना कोरा कागज था मन मेरा है ना देखो ब्लैंक स्लेट यानी कोरी तख्ती या क्ले एक क्ले मिट्टी होती है ना जिसको कोई भी शेप दे सकते हो वैसी सी स्थिति है यहां पे वैसी सी ही स्थिति है कि आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो बच्चे के माइंड को यह बात भी सही लग रही है हमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही ठीक किसने कहा जॉन लॉक ने कहा शताब्दी में क्लियर बात कोई दिक्कत परेशानी दर्द नहीं होगा एक और कोट की हम बात कर रहे थे वुडवर्थ के अभी साइकोलॉजी को समझते समय इन्होंने कहा कि फर्स्ट यहां से लिखना शुरू करती हूं फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल यानी पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई नोट्स खुद बनाने अपने इन्हीं हाथों से तभी याद रहेगा दिमाग में टिकेंगी चीजें नहीं तो किताबें तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे अब तक ठीक फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल देन इट्स माइंड

तो हम कहेंगे व्यवहार का शुरुआत कहां से हुई थी सोल से पहले आत्मा से शुरुआत हुई याद करने जैसा कुछ बचेगा नहीं इसी क्लास में याद भी करके जाओगे ठीक है मन का अध्ययन हुई आत्मा के बाद समझ में आ गई बात हमें फिर इसके बाद इसके बाद अगर हम बात करें चेतना का अध्ययन हुई फिर चेतना देन व्यवहार का अध्ययन व्यवहार का अध्ययन ज्यादा दूर से दिख रहा हो तो पास ले आएंगे है ना ऐसे राइटिंग की तारीफ अगर किसी ने की ना मैं बता रही हूं नाराज हो जाऊंगी क्योंकि मेरी राइटिंग सिर्फ मुझे ही पसंद आ सकती है गांधी जी से इंस्पायर्ड हूं मैं राइटिंग के मामले में <laughs> खैर ये तो मजाक की बात हुई मतलब पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया फिर मन को खोया फिर चेतना को खोया अब कुछ थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी अपने आप में जब अलग संप्रदाय बनी किससे अलग हो गई फिलोसफी से तो इसकी अपनी पहली लैब यानी फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट लेबोरेटरी यानी पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में अगर आपने ये कंटेंट नहीं समझा ना तो दुख होगा आपको बाद में ये दुर्लभ चीज है जो शायद इसका कोई मूल्य नहीं है देखिए फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी 1879 में अठारह में लिप्सिक के अंदर लिप्जिक जगह है यूनिवर्सिटी जर्मनी में हिटलर तो याद ही होगा जर्मनी से आपको जर्मनी के अंदर किसने खोली व्यक्ति हैं विल मैक्सिमिलियन मैग्जीमिलियन विल मैक्सिमिलियन नहीं लिखते हैं डायरेक्ट वुंट लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे वुंट, वुंट, ठीक ठीक वुंट, ठीक है बात पुराने दिन याद आ गए लॉकडाउन वाले नेता का कह रहे हैं बिल्कुल याद आएंगे अब डेली पढ़ाई करेंगे अगर आप लोग सच में सीरियस हैं पढ़ने के लिए तो देखिए फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी में में के के अंदर जर्मनी में, वुंट के द्वारा खोली गई और हम यह मान सकते हैं कि मतलब है? मतलब, अलग और इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वुंट को समझे कि नहीं प्रायोगिक मेन मेन पॉइंट्स ही मैं लिख रही हूं मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलहम को ठीक फादर किसको विलहम मैक्सिमिलियन वुंट को ठीक है कई लोग इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कह देते हैं मनोविज्ञान का जनक भी कह देते हैं कई लोग अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कह देते हैं तो उस चीज पे हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो ऐसा ही है जैसे मेरा नाम हिमांशी भी हो सकता है मेरा निकनेम जो है वो हिना भी हो सकता है और भी चार नाम हो सकते हैं ठीक मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से पुकार दिया हो ऐसा पॉसिबल है बाकी वुंट के साथ हम फिर भी जाते हैं जा सकते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी के लिए वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा ठीक नहीं तो कहने को मॉडर्न साइकोलॉजी का जब नाम आता है तो कई लोग विलियम जेम्स का भी नाम लेते हैं ये एक बेसिक बात है इतनी बात क्लियर हुई सभी को कोई दिक्कत परेशानी आगे बढ़े भारत में यह तो बात हुई जर्मनी की या दुनिया की पहली लैब की फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लैब थी इंडिया में कब खोली गई इंडिया के अंदर कब ओपन हुई तो हम कहेंगे 1916 में ईयर क्या है 1916 यानी 1916 सौ ईस्वी में एक प्रोफेसर थे डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता एन एन सेन गुप्ता इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कलकत्ता होती थी ना उस टाइम तो अभी कोलकाता है कलकत्ता में ये एक लैब खोली किसकी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पहली भारत के अंदर ये हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट थे और फिलोसोफर थे क्या क्या थे हार्वर्ड ग्रेजुएट थे ये सब चीजें एक्स्ट्रा में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें आप कनेक्ट कर पाए चीजों को रटे ना ठीक है बात स्टोरी की तरह याद रख पाए इतनी बात क्लियर है या नहीं नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता एग्जैक्टली exactly. बहुत ही बढ़िया गजब की बात करते हैं यहां तक की बात क्लियर है सभी को अब फटाफट से कुछ और चीजों को समझ लेते हैं मैंने एक दिन आपको बताया भी था कुछ समुदाय हैं साइकोलॉजी के स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं अलग अलग थॉट्स हैं थॉट्स कैसे हैं भाई अलग अलग लोग थे अलग अलग संप्रदाय उन्होंने बनाए बहुत सारी विचारधाराएं हैं ना आप अपने घर में भी देखते हैं चार लोग अलग अलग विचार रखते हैं तो ऐसी साइकोलॉजी में भी अलग अलग स्कूल्स आए अलग अलग थॉट्स आए अलग अलग लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया अपने समुदाय को रिप्रेजेंट किया और प्रूव किया कि हमारा सही है कि हमारा सही है कि हमारा सही है ठीक तो इसमें जो शुरुआत हुई स्कूल्स की संप्रदायों की मनोविज्ञान के संप्रदाय आराम से चल सकते हैं ना धीरे धीरे जल्दी में तो नहीं हो क्या कह रहे हो पढ़ाई के नाम पे तो जल्दी में ही रहते हैं बाकी सारे काम हम बहुत आराम से करते हैं है? खैर देखिए अगर हम बात करें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की तो ये जो विलहम हैं इन्होंने शुरुआत की पहले इस स्कूल की स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद बस ये लिखते जाइएगा संरचनावाद संरचनावाद इंट्रोस्पेक्शन की बात करता था यानी अंतर अंत दर्शन की बात करता था इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर दर्शन आप बैठ के ये सोचें आप खुद को ही जान पाए अंदर आप थॉट्स स्वयं को ही आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अंदर झांक करके देख रहे हैं एक्सट्रोस्पेक्शन होता है बाहर दुनिया में देखना इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने अंदर झांकना ठीक तो ये कॉन्शियसनेस यानी चेतना को स्टडी करते थे वुंट कॉन्शियसनेस को यानी चेतना को स्टडी करते थे ठीक चेतना का अध्ययन यहां होता था और सबसे पुराना मेथड इसी को कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन को ही मनोविज्ञान में अंत दर्शन को ही ठीक है बात ओल्डेस्ट मेथड इसको हम कह सकते हैं क्लियर हो गई बात फादर कौन है स्ट्रक्चरलिज्म के तो नाम आता है विल्हेम वुंट अभी आया हुआ है आई थिंक किसी तो एग्जाम में आया था तो विल्हेम वुंट वैसे अगर टेक्निकली मैं आपको कहूं तो नाम जो दिया था वो दिया था विल्हेम वुंट के शिष्य थे ईबी टिचनर ईबी एडवर्ड टिचनर हिंदी में भी लिख देती हूं मैं इन्होंने इसको नाम दिया था प्रॉपर जो नाम वुंट ने दिया उसको वॉलेंटरिज्म आई थिंक कहते हैं बट क्वेश्चन आया हुआ है फादर ऑफ वुंट स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद के जनक तो वुंट आप आंसर लगाएंगे ई बी टिचनर नहीं होगा ऑप्शन में तब अगर ई बी टिचन है तो ई बी टिचन लगाएंगे वैसे दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन के अंदर ये बात क्लियर है सभी को समझने में कूल cool? बहुत बढ़िया आकाश सिंह है ना इनका ध्यान घड़ी पे है पढ़ाई पे नहीं है खैर ये तो मैं मजाक कर रही हूं थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर भी होना चाहिए <laughs> देखो एक बार तो इतनी बात क्लियर हो गई इसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म के बाद स्कूल आता है आपका स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद इसके बाद नेक्स्ट स्कूल है आपका फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें उन तक ये वीडियो शेयर करके बताइएगा कि अगर इच्छा है तो रास्ते निकल आते हैं यहां से पढ़ सकते हैं लेट्स से बिल्कुल फ्री स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद मजा आता है मतलब डिस्कशन में ना ये चीज मैं कई काफी दिनों से मिस कर रही थी देखिए स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म के जनक विलियम जेम्स विलियम जेम्स, विल्यम जेम्स। बेसिकली विलियम जेम्स और जो आपके वुंट हैं वो एक ही टाइम पे काम कर रहे थे बट ये अमेरिका में थे और वो जर्मनी में थे विलियम जेम्स की यदि हम बात करें तो इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी गाने गाने का मन कर रहा है मेरा पता नहीं इतनी खुश हूं मैं आज अचानक से अभी एक घंटे पहले एन, एनर्जी की कमी लग रही थी मनोविज्ञान के सिद्धांत इनकी बुक का नाम है बहुत फेमस बुक है सौ साल से भी ज्यादा हो चुके साइकोलॉजी का जनक भी कह दिया जाता है बार। general, अगर तो समय कम है वो मैं करा दूंगी उसकी टेंशन मत लो फास्ट भी चल लेंगे अभी शुरुआत है एटलीस्ट अपने दिमाग में जमने तो दो चीजों को फास्ट की कमी है क्या मैं तो बोलती ही एक सेकंड में बताई दो शब्द हूं है ना तो उसकी टेंशन मत लो फास्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार भूमिका तो बनने दो दिमाग में सेट तो होने दो ये सब्जेक्ट चल लेंगे फिर फास्ट भी कल से क्या क्या कहते हो तो फंक्शनलिज्म आया इसके बाद और फंक्शनलिज्म के जनक हैं विलियम जेम्स ये कहते हैं दिमाग का स्ट्रक्चर छोड़ो स्ट्रक्चरलिज्म की तरह प्रकार पे, फंक्शन पे ध्यान दो कि वो काम कैसे करता है रियल लाइफ में इतना ही समझेंगे इसके बारे में आगे आ जाएंगे स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर ली फंक्शनलिज्म की बात कर ली फिर आता है साइको एनालिसिस साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद जिससे जुड़े हुए हैं सिगमन फ्रॉइड सिगमन फ्रॉइड इसके जनक हैं सिगमन फ्रॉइड एक एक नंबर में प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए लिख रही हूं मैं ठीक सिगमन फ्रॉइड सिग्मन फ्राइड बेसिकली वियना के थे एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और कभी ना कभी आपने इनका नाम जरूर सुना होगा इनको क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया बट लोग भूल भी नहीं सकते क्योंकि इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रिया के वियना के थे यूरोप में बेसिकली ठीक है बात सिगमन फ्राइड साइको एनालिसिस का मतलब है मनोविश्लेषणवाद इनकी थियोरी है अभी हम आज अगर हो पाया तो आज ही हम डेवलपमेंट की स्टेजेस वगैरह सब जो भी मेन बातें हैं दिमाग का भार और ये वो वो सब करा दूंगी नहीं हुआ तो कल और उसके बाद हम बहुत ही अलग अप्रोच से चलेंगे इस वाले बैच में क्रैश कोर्स मान के चलो आप इसको तो उसके बाद हम करेंगे वो थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट एक ही दिन में निपटा देंगे जैसे एरिक्सन की थ्योरी फ्रॉइड की थ्योरी ब्रूनर की थ्योरी इस तरीके की थ्योरीज भी करेंगे जिसमें आपको ये थ्योरी मिलने को पढ़ने को मिलेगी साइकोसेक्सुअल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं ये मनोलैंगिक विकास से इनकी थ्योरी को साइको डायनेमिक अप्रोच भी कह दिया जाता है साइको डायनमिक और साइको एनालिसिस तो है ही मनोविश्लेषण इन्होंने बेसिकली तीन प्रकार के मन की बात की चेतन अवचेतन और अचेतन यानी कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड और बताया कैसे कैसे हमारा जो ब्रेन है या जो हम परेशानी डिप्रेशन और ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे वर्क करती हैं और एनालाइज किया बेसिकली मन को विश्लेषण किया मन का ठीक बात बात ठीक है कुछ लोगों की ब्लॉक होने की बहुत ज्यादा इच्छा है बट हम करेंगे नहीं क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे इनको देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे हमने बात की अभी तक स्ट्रक्चरलिज्म की यहां लिख भी सकते हो शॉर्ट फॉर्म में अगर इच्छा है एनालिसिस और अब हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म की यानी व्यवहारवाद की जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात हम कर रहे हैं बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद की बहुत फेमस है यहां से क्वेश्चन आते हैं व्यवहारवाद जिनको समस्या हो वो सेशन यही कहीं छोड़ करके जा सकते हैं जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो ही ध्यान दीजिएगा ठीक है व्यवहारवाद व्यवहारवाद क्या कहता है भाई व्यवहारवाद कहता है इन्होंने इसके जनक हैं फादर हैं कौन बताओ जल्दी से चिल्ला चिल्ला के बताओ घर वालों को उठा दो सोते हुए क्या मम्मी व्यवहारवाद के जनक पता है आपको वो कहेंगे बेटा पिटोगे क्या ना हां तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है जेबी वॉटसन जॉन ब्रॉडस वॉटसन ठीक ठीक जॉन ब्रॉडस वॉटसन इन्होंने कहा कि मनोज्ञान क्या है टोटली प्योरली बिहेवियर की स्टडी होनी चाहिए यानी हमें नहीं पता हम आत्मा तक कैसे पहुंचे मन तक कैसे पहुंचे चेतना में क्या है इनका सीधा सा सिंपल सा सिद्धांत है हमें व्यवहार में दिखाओ अगर आप बिहेवियर को स्टडी कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ऐसा ये मानते हैं तो स्टडी ऑफ बिहेवियर पे इनका फोकस है स्टडी ऑफ बिहेवियर पे इनका फोकस है यानी व्यवहार के अध्ययन पे इनका फोकस है ये हम कह सकते हैं ठीक है बात एक बच्चा था जिसका छोटा सा नाम था लिटिल एल्बर्ट कहा जाता है उसको उसपे इनका कुछ एक एक्सपेरिमेंट था कि वो वाइट चीजों से या सॉफ्ट चीजों से उसे डर लगना शुरू हो गया था क्योंकि ये क्या करते थे जैसे ही वो सॉफ्ट चीजों के पास जाता बहुत पीछे से भयानक आवाज बजाते तो और उसको डर लग जाता तो कंडीशनिंग पे इनका बहुत बड़ा रोल है इन्होंने कंडीशनिंग पे फोकस किया तो हमने बात की स्ट्रक्चरलिज्म की फंक्शनलिज्म की साइको एनालिसिस की व्यवहारवाद की ठीक अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गेस्टाल्टवाद की यानी गेस्टाल्टवाद को गेस्टाल्टवाद ही कहते हैं गेस्टाल्ट टिज्म, टिज्म नहीं लगाते वैसे गेस्टाल्ट के साथ बट ठीक है लगा देंगे कोई बात नहीं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी लिख देंगे या गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ़ साइकोलॉजी, ठीक है बात, बात की यदि हम बात करें ओहो हो, अपनी मर्जी से चल रहे है तो ज्यादा एडवांस हो गया ओल्ड स्कूल रह गए हम तो ठीक तो गेस्टाल्टवाद की यदि हम बात करें तो इसके जनक फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद कौन है मैक्स वर्ट हाइमर मैक्स वर्ट हाइमर या मैक्स वर्दी मीर कह देते हैं इनको हम हिंदी में वर्दी मीर पहनने वाली वर्दी है ना हमारे यहां एक स्कूल है पास में ही आपको पता होगा नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं पता कर लीजिए ऐसे हरी वर्दी गुंडागर्दी कहते हैं बच्चे मजाक में तो वर्दी मीर याद रख लीजिएगा कुल मिला के बात ये है बाकी बातें तो बकवास हैं है ना आ, मैक्स वर्ट हाइमर यानी वर्दी मीर इनको हम कह रहे हैं ठीक वर्दी पहन के इन्होंने कहा गेस्टाल्टवाद आज से चलेगा गेस्टाल्टवाद बेसिकली बात क्या करता है गेस्टाल्ट वाद वाद बात करता है परसेप्शन की कि हमारे सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं परसेप्शन कैसे हम सडन सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं है ना इस संप्रदाय में सडन सॉल्यूशन इज द रूल सडन सॉल्यूशन यानी अचानक से जो समाधान है सडन सॉल्यूशन इज द रूल कहां पर गेस्टाल्टवाद में ठीक है यूरेका मूवमेंट भी इसी से जुड़ा हुआ है यूरेका मूवमेंट यूरेका का मतलब होता है आई फाउंड इट आर्किमिडीज को जब प्रिंसिपल का पता लगा या चीजों का पता लगा उन्होंने कहा आई फाउंड इट यूरे 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 मतलब मिल गया तो सॉल्यूशन अचानक से आएगा दिमाग की बत्ती जलेगी एकदम मेंटोस की जैसी और यूरेका मूवमेंट भी इसी से जुड़ा हुआ है इनसाइटफुल लर्निंग एक थियोरी है यानी अचानक से सॉल्यूशन आना इनसाइटफुल लर्निंग जिसको दिया था इसी संप्रदाय से जुड़े हुए एक व्यक्ति वोल्फ गैंग कोहलर ने एक चिंपैनजी पे उनका प्रयोग था <laughs> कोई कोई जवाब दे रहा है किसी को कोई कमेंट सेक्शन में उल्टा कुछ कुछ बोल रहे हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति आई थिंक कोई लेडी है वो जवाब दे रही है तो मुझे हंसी आ रही है पढ़ के है ना कई लोगों को बड़ा शौक है क्लास डिस्टर्ब करने का आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए ठीक है यूरेका या फिर इंसाइटफुल लर्निंग इसमें सुल्तान नाम का एक चिमपैनजी था जो बहुत फेमस था थे तो कई सारे तो उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था एकदम से अचानक से सॉल्यूशन आना आहा मूवमेंट भी इसी थियोरी से जुड़ा हुआ है ये मैं कुछ कुछ चीजें बता रही हूं याद रहे पेपर में आहा भी इसी से जुड़ा हुआ है यानी अचानक से कोई आइडिया आ जाए कई बार होता है ना आप किसी सवाल अटके हुए होते हैं किसी प्रॉब्लम का आप समाधान ढूंढ रहे होते हैं और अचानक से जब आप खाना बना रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं सो रहे हैं और एकदम से आपको ऐसे आइडिया आ गया है ना मेरे साथ क्या होता है मेरे साथ एग्जाम्पल्स में ऐसा होता है मतलब मैं कहीं भी चलती फिरती हूँ तो मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स नजर आते हैं लोगों में मैं जोड़ रही होती हूँ चीजें साइकोलॉजी के टॉपिक्स से और ये वो तो वो अचानक से कई बार क्या होता है एक बहुत अमेजिंग सा थॉट आ जाता है आपको क्यों क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ कुछ एक चीज चल रही थी जो अंदर है कहीं तो अचानक से ये जो काम है ये बेसिकली आपके संज्ञान से जुड़ा हुआ है यानी आपके ये थोड़ा सा कॉग्नेटिविज्म पे बेस्ड थियोरी है ये कहते हैं ट्रायल एंड एरर से नहीं चलेगा कि बस ट्राई करो एरर करो गलती करो ऐसे ही होता रहेगा ये कहते हैं कि जो दिमाग है वो परसीव करेगा एज अ होल तो ये होल को इंपॉर्टेंस देते हैं होल इज दी होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ़ इट्स पार्ट्स। सम ऑफ इट्स पार्ट्स यानी जो एक बड़ा पूरा संपूर्ण भाग है वो इसके हिस्सों से अलग होता है इसमें विश्वास रखती है गिस्टाल्ट साइकोलॉजी ये बात ठीक है या नहीं क्लियर हुई या नहीं हुई ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इस संप्रदाय से दो तीन लोग जुड़े हुए हैं मैं नाम आपको एक मिनट के अंदर बता देती हूं गेस्टाल्टवाद के जनक तो हमने बता दिया वर्ट हाइमर है वर्दी मीर ठीक वर्ट हाइमर वर्दी मीर ठीक अगर बात करूं यहां पे बाकी लोगों की जो एसोसिएटेड हैं इस स्कूल ऑफ थॉट से तो वोल्फ गैंग कोहलर पूरा नाम मत लिखिए छोटा ही लिख लीजिए कोहलर जिन्होंने वो सुल्तान नाम के पे प्रयोग किया था, इस को हम पढ़ेंगे, और एक और व्यक्ति है उनका नाम मुझे अभी एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है एक बार लिख के बताओ नहीं तो आई जाएगा थोड़ी देर में कर्ट लेवन भी इसी से जुड़े हुए हैं कर मैक्स कोफका 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 कोफ़ का, okay, का अलग है कोफ का अलग है देख तो सही आपने क्या लिखा है अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया आप लोग तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं मतलब वही लोग हैं जो सच में पढ़ने की इच्छा रखते हैं कोफका का एक अलग फिलोसोफर टाइप्स व्यक्ति थे ये कोफका है ये कोफका अलग है ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित है ठीक ये कुछ लोग हैं जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया मुझे अच्छा लग रहा है देख करके आप लोग सच में YouTube पे इतना पढ़ना चाहते हैं हिंदी में भी इसको यही कहेंगे भाई अब अगर हम बात करें हमने इतने सारे स्कूल की बात कर ली अब एक और ऑफ साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं जो आजकल प्रचलन में कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद रचनावाद इनको याद कैसे रखोगे अभी बता दूंगी रचनावाद रचनावाद क्या है रचनावाद ये यह कहता है बच्चे को जितना हो सके एक्टिव रखो बच्चा ज्ञान का सृजन करने में सक्षम है बजाय कि आप बशर्ते आप उसको सक्रिय रखें एक्टिव रखें बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है रचना की जा सकती है ज्ञान की यदि बच्चे को आप फ्रीडम दें एक्टिविटी करने की एक्सपेरिमेंट करने की एक्सप्लोर करने की ठीक इन्होंने कहा टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर है आज की डेट में जो पूरे पढ़ाई लिखाई चल रही है ना आपका जो नया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो इसी से प्रभावित है या ये उससे प्रभावित है ऐसे भी कह सकते हैं रचनावाद रचनावादी कौन है वाइगॉस्टे ये सब लोग रचनावादी हैं। ब्रूनर ये सब लोग क्या है रचनावादी हैं कैसे क्योंकि ये ये मानते हैं कि बच्चे को फ्रीडम दो उसको एक्टिविटी करने दो टीचर का काम सिर्फ फैसिलिटेटर का है टीचर क्या है टीचर का जो रोल है वो डिक्टेटर का नहीं है कोई भी टीचर जो अपने आप को मतलब महान माने वो ठीक है लेकिन आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराने में मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप सुविधा दाता हैं आप माहौल क्रिएट करने वाले व्यक्ति हैं आप किसी के दिमाग में भर नहीं सकते कुछ ऐसा रचनावाद कहता है यानी टीचर क्या है फैसिलिटेटर है ऐसा एनसीएफ जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पूरा डॉक्यूमेंट है वो इसी पे बेस्ड है यानी सुविधा दाता है शिक्षक शिक्षक क्या है सुविधा दाता है माहौल आप स्टेज सेटर हैं आप डिक्टेटर नहीं हैं आप तानाशाह नहीं हैं कि मैंने ये कर दिया मुझसे ये हो गया ये नहीं है आप सुविधादाता हैं मेरा काम क्या है मैं यहां खड़े होकर समझाऊं और आपको समझ में आ जाए पेपर में हेल्प हो जाए दैट्स इट ठीक है बात रचनावाद जीवन में भी हो मेरी कोशिश तो ऐसी रहती है इतना नहीं है खैर इससे थोड़ा सा ज्यादा है आगे बढ़ेंगे अब इससे जुड़े हुए प्याजे वाइगॉस की सारे लोग इसी से जुड़े हुए हैं अब आप, आपको ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी याद रखने के लिए अगर थोड़ी सी मदद चाहिए तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ना मनोविज्ञान के संप्रदाय एस एफ पी बी पी बी एस एफ बी जी सी ठीक हालांकि और फिर इसके बाद ह्यूमनिज्म भी आ जाता है अगर आप इसके बाद लगाना चाहते हैं यानी मानवतावाद वो कहते हैं मानव पे फोकस होना चाहिए ह्यूमंस बाय नेचर इनहेरेंटली अच्छे हैं बस हमें फोकस करना है किस पे मानवतावाद पे यानी मनुष्यों को आगे बढ़ाना है एक तरीके से और इसके फादर जो हैं वो कार्ल रॉजर्स हैं और अब्राहम मैस्लो हैं जो ह्यूमनिज्म से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में मैंने अलग से बात नहीं की अब ऐसे ही आपको समझा दिया है तो ये क्या था एस फॉर स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद ढंग से पड़ी अगर इच्छा है तो एस एफ पी बी जी सी एच यह क्या है इसका निमोनिक है मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में बता करके चलती हूं ताकि आपको याद भी रहे चीजें इतना सारा डेटा कैसे याद रखोगे निमोनिक निमोनिक क्या है शॉर्ट फॉर्म ऐसी बना लीजिए ठीक है जैसे वो लाल बटे कक्का बनाते थे ना हम मैथ्स पढ़ते समय यूपी बोर्ड में और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बनाते थे सीबीएसई वाले ठीक तो ये निमोनिक ही है एक तरह का जुगाड़ बना लिया आपने याद रखने के लिए टेक्निक है याद रखने की कहा जा रहे हो भाई रुको जरा सब्र करो देखो बोर्ड की बात कर रही हूं आपसे नहीं कह रही हूं आप दिल पे ना ले ठीक तो एस एफ यानी संरचनावाद जिसके जनक कौन है जल्दी से बताओ चिल्ला चिल्ला के घर वालों को उठा दो स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद विलहम व जनक हैं और अगर हम बात करें -वुंट में ना हो तो आप इबी e. टिचनर लगाएंगे एडवर्ड बी टिचनर ठीक फिर आता है फंक्शनलिज्म फंक्शनलिज्म यानी प्रकार जिसके विलियम जेम्स हैं जनक उन्होंने एक बुक भी लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इनको मॉडर्न डे साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है विलियम वंट को कई लोग साइकोलॉजी का जनक कह देते हैं बट वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है उस पर मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ के चलूंगी हो सकता है अगर ऑप्शन में एरिस्टोटल हो तो एरिस्टोटल हो जाए हो सकता है वुंट हो सिर्फ तो वुंट हो जाए ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि उस मतलब इसका

जिसके मैक्स वर्ट हाइमर है जनक देन कंस्ट्रक्टिविज्म पे हम बात कर रहे हैं वैसे भी यहां हो सकता है बट मैंने उसको अभी के लिए हटा दिया है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो काग्नेटिविज्म से नहीं आते हैं और ये है ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद मानव को इन्होंने मेन मुद्दा बना करके रखा है चलो अब लगे हाथ बात चल ही रही है और मैं बहुत मूड में हूं पढ़ाने के तो हम बात कर लेते हैं कॉग्नेटिविज्म पे भी ठीक है कॉग्नेटिविज्म पे भी बात कर लेते हैं संज्ञानवाद कहते हैं कॉग्नेटिविज्म को जिससे ये आपका गेस्टाल्टवाद भी संबंधित है और कंस्ट्रक्टिविज्म भी ठीक है कॉग्नेटिविज्म यानी संज्ञानवाद इससे बहुत एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कॉग्निशन से आजकल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉग्निशन कॉग्निशन क्या है यानी संज्ञान क्या है ये पूछा जाता है संज्ञान क्या है मेरे तरीके से पढ़ लो दुखी मत हो ये मत सोचो ये करा दो सबसे पहले जल्दी करा दो धीरे करा दो ठीक वॉट इज कॉग्नेटिविज्म या कॉग्निशन क्या है तो कॉग्निशन क्या है आपकी जो प्रोसेस ऑफ नोइंग है जैसे आप चीजों को जानते हैं जो जानने की प्रक्रिया है अपने संज्ञान का आप इस्तेमाल करते हैं यानी मानसिक क्षमताओं से जुड़ी हुई चीज कॉग्निशन है यानी जितनी भी मेंटल स्किल्स हैं मेंटल स्किल्स हैं जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं वो जुड़ी हुई हैं किससे मानसिक क्षमताएं वो जुड़ी हुई है आपके कॉग्निशन से संज्ञान से चाहे वो आपका सोचना यानी थिंकिंग हो चाहे वो थिंकिंग हो दिमाग से ही सोच रहे हो ना चाहे वो रीजनिंग यानी तर्क लगाना हो चाहे वो आपकी मेमोरी हो यानी स्मृति ये भी दिमाग में ही है भाई बेसिकली कॉग्निशन वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप दुनिया की समझ बना रहे हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके समझ पा रहे हो बात को मेमरी हुआ परसेप्शन भी आपका इससे रिलेटेड दिमाग से रिलेटेड सारी चीजें इसी में आएंगी इमेजिनेशन यानी आप कल्पना भी तो संज्ञान से ही कर रहे हैं और इन सब का यूज करके आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये भी ध्यान रखने योग्य बात है इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति या कल्पना लैंग्वेज यानी भाषा भी कॉग्निशन से ही जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं ये बात ठीक है या नहीं क्लियर है ये बात या नहीं अब एक दो कॉमेंट तो देख लू इतनी देर से मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन में हूं थोड़ा कॉमेंट वॉमेंट देखेंगे तब आगे चलेंगे ये हैप्पी बर्थडे कौन कह रहा है हर रोज मेरा बर्थडे आता है क्या इतनी तेजी से उम्र बढ़ रही है क्या बहुत बढ़िया हाँ लाइक शेयर तो आप लोग वैसे ही कर देते हैं वो तो मैं मजाक में कह देती हूँ अब ठीक है और कैसे आप लोगों से बात की जाए इतनी दूर से हैं गुड जॉब अरे धन्यवाद लव यू थैंक यू सो मच शर्मा जाती हूँ यार मैं ऐसी ऐसी बातें मत किया करूँ <laughs> देखो यहाँ पे आ जाओ अगर मैं बात करूँ ग्नेटिविज्म की यानी संज्ञानवाद की कॉग्नेटिविज्म की बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस पे जोर देता है, पे जोर देगा. ये एक बात है. अच्छा एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है इससे रिलेटेड नहीं है बट इसके जैसा ही है ग्रूनर इसी से संबंधित है मेनली फिर बाद में वो कॉग्नेटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है उनको उसमें नहीं जाएंगे अभी अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है ये इन जनरल अभी मुझे याद आ गया तो मन कर रहा है बताने का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब वो कौन सी थ्योरी है जो ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर से जोड़ती है ये बता दीजिए वो कौन सी थ्योरी है जो ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर के जैसा मानती है ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर से तुलना करती है कंप्यूटर के जैसा मानती है बताइए बहुत तेजी से बताइए सेकंड्स के अंदर मिनट भी नहीं मिलेंगे आपको इसमें मजाक की बात नहीं है गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा आ जाएगा तो एक घंटा और पढ़ा दूंगी क्योंकि गुस्से को यूज करना मुझे बहुत अच्छे से आता है गुस्से में मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा मैं बाकी चार टीचर्स को बुरा बोल दूंगी ये तो नहीं करूंगी बट गुस्से में मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी ये हो सकता है डिस्कशन हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा है ना सीखना सिखाना हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा चलिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है इस थियोरी का नाम स्किनर भी इस पर बात करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सूचना जो भी कहेंगे संस्करण आई थिंक प्रोसेसिंग को संस्करण ही कहते हैं ना बताओ एक बार तो कॉग्निशन से जुड़, जुड़ती है कहीं ना कहीं ठीक तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर की तरह मानती है कि जैसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसी तरीके से ह्यूमन माइंड में भी प्रोसेसिंग ऐसे ही होती है ठीक है बात इतनी सी बात है आगे की लाइन मुझे आती नहीं है इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं ये घड़ी कौन मांग रहा है बिल्कुल नहीं दूंगी बिल्कुल भी नहीं दूंगी घड़ी और बताओ <coughs> हमने बात कर ली साइकोलॉजी की साइकोलॉजी की बात कर ली कितना टाइम हो गया दस पच्चीस लगभग एक घंटे की क्लास आपकी हो गई है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की बात की मनोविज्ञान कैसे निकला कहां से निकला दर्शन शास्त्र से आया है ना ग्रीक से इसकी शुरुआत हुई वर्ड है ठीक ये सारी बातें हमने कर ली अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी उसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हुई क्लिनिकल साइकोलॉजी हुई बहुत तरह के मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं उसका उसमें से एक चीज है जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा साइकोलॉजी तो हम जीवन में लगभग लग हर जगह यूज कर रहे हैं ना तो जब हम उस साइकोलॉजी को जब मनोविज्ञान को कहा यूज करने लगे शिक्षा में यूज कर लगे करने लगे किस लिए यूज करने लगे ताकि हम बच्चे को समझ पाए उसके मन को समझ पाए उसके व्यवहार को समझ पाए उसके लिए बेहतर टेक्निक्स का प्रयोग कर पाए मतलब हम बच्चे को बेहतर तरीके से समझ पाए टू बेटर अंडरस्टैंड अ चाइल्ड अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि नहीं ये बता दो हम्म बोलो हां ठीक तो टू बेटर अंडरस्टैंड अ चाइल्ड हम क्या करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं हम साइकोलॉजी की टेक्निक्स का या अच्छे मेथड्स का प्रयोग कर सकें शिक्षा में जिससे हम और बच्चे को बेहतर तरीके से समझ सकें उसको बेहतर एजुकेशन दे सकें बेटर एजुकेशन हम उसको प्रोवाइड कर सकें इसलिए हमने साइकोलॉजी को शिक्षा में अनुप्रयोग किया उसको शिक्षा में जोड़ा ये हम कह सकते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको कहेंगे फटाफट से बताओ एक नंबर का क्वेश्चन जल्दी बताओ फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आज यहीं तक रखेंगे साइकोलॉजी वाले पार्ट तक ही जो डेवलपमेंट वाला हिस्सा है उसको कल शुरू करेंगे है ना फादर कौन है बताइए चार ऑप्शन दिए जाएं कोई कह रहा है अरस्तु ये देखो ऑप्शन ए है एरिस्टोटल एरिस्टोटल यानी अरस्तु ऑप्शन बी है विलियम जेम्स ऑप्शन सी है थॉन्डाइक ऑप्शन डी है विलहम वुंट बताइए हम्म ये तो सबको पता होना ही चाहिए ये क्या सी सी किए जा रहे हो सी फॉर कोरोना नहीं होता थॉन होता है यानी एडवर्ड ली थॉन्डाइक एडवर्ड ली थॉन्डाइक इनको फादर ऑफ़ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया एजुकेशनल साइकोलॉजी पे साइकोलॉजी को एजुकेशन में कैसे प्रयोग करेंगे इस चीज पे थौंडाइक ने बहुत काम किया इन्होंने इंटेलिजेंस कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं जिसपे इन्होंने काम ना किया हो यही वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड हालांकि आज के परिपेक्ष में ये बात ये कहावत बिल्कुल ठीक नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद तो इसको बिल्कुल नहीं मानेगा कि छड़ी हटा दो यानी स्पेयर द रॉड डंडा हटाओ और बच्चा बिगड़ जाएगा तो इनका तो मतलब था कि हालांकि ये बाद में इस चीज से इसमें परिवर्तन आ गया था इस थॉट में लेकिन ये जो कहावत है ये नहीं की है

कर लेंगे जब मन करेगा नहीं करेगा नहीं करेंगे देखिए इतनी सी बात हो गई हमारी क्लियर हमने सारी चीजें समझ ली आप किसी को कोई दर्द डाउट कहीं भी आया हो तो फटाफट से पूछो मैं डाउट क्लियर करूंगी और इसके आगे की कहानी कि कल जो स्टेजेस वाला हिस्सा है जहां से क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आता है हर एक एग्जाम एक में कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि एडोलेसेंस में कितना वेट होगा बच्चे के मस्तिष्क का है ना तो बारह से चौदह ग्राम के करीब एस्टेट में पूछा था आई थिंक ये वाला क्वेश्चन इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्टेजेस से गैंग एज कौन सी है एक टॉय uh, एज पे बड़ा तमाशा है कुछ महानुभाव टॉय एज क्या है, है ना गोल्डन पीरियड कौन सा है एक फीलिंग ऑफ रिवोल्ट यानी विद्रोह की भावना कब आती है इस तरह के जो स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम कल समझेंगे उन टॉपिक्स को ताकि आपके इस तरह के क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाए नो दर्द नो दुख नो समस्या बहुत बढ़िया आप लोग अमेजिंग है यार नेक्स्ट मीटअप सीटेट आने दो तब करेंगे या अलग अलग शहर में कहीं फुर्सत हुई तब करेंगे अभी तो पढ़ाई करेंगे कुछ दिन बहुत सीरियस होके क्योंकि मीटअप की तैयारियों में यार बड़ा डिस्टर्बेंस भी हो जाता है कई बार और और भी बहुत अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लो अब रीटवीट निकालो एग्जाम निकालो नौकरी वाकरी लो फिर मिलेंगे मीटअप में क्यों टेंशन में हो हिंदी में बता दीजिए हिंदी में बता देंगे हिंदी में साथ के साथ बता के चल लेंगे और बताओ इतनी तेजी से कॉमेंट्स कौन करता है भाई सेशन पसंद आया हो आपको तो लाइक शेयर कर दीजिएगा उस लाइक शेयर से भी इंपॉर्टेंट ये है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चाहे मत करिएगा अगर ये सेशन यहां तक देखा है तो नोट्स खुद के बनाइएगा एक कॉपी पेन लेके इस सब्जेक्ट की ये सब्जेक्ट क्या है सी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोलॉजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र टीचिंग मेथोडोलॉजी आप इसको कह सकते हैं इसमें शैक्षिक मनोज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी हिस्सा होगा रीट को हम फोकस कर रहे हैं रीट और यूपी टाइट को क्योंकि ये अभी आने वाले एग्जाम हैं इसके अलावा आप टीचिंग का कल कोई भी एग्जाम दें ये सेशंस आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगे इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते और ये बिल्कुल अपडेटेड है मेरे सेशंस पढ़े हुए हैं यूट्यूब पर पहले भी बट हो सकता है वो पुराने सेशंस हैं एक साल दो साल उस तरीके से या मैराथन सेशन है फिर लेटेस्ट तो ये अपडेटेड है समय समय पर आपका एज अ टीचर या मैं तो खैर टीचर बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ ही नहीं करती हूँ मैं लर्नर ही मान के चलती हूँ खुद को कि मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ और आप मेरे साथ सीख रहे हैं हम सब एक दूसरे सीख रहे हैं ऐसा बाइगॉस की कहते हैं रेसी प्रोकल टीचिंग कहते हैं इस शब्द को ठीक तो आप अपडेट करते हैं अपनी नॉलेज को और ये अपडेटेड सेशंस होंगे यूट्यूब पे तो इनसे रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब भी आपको हेल्प करेंगे अच्छा जो लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बता तो दिए बता तो दिए तो क्यों दुखी रहते हो अच्छा एक और एक और छोटी सी चीज मुझे आपको बतानी थी अगर हम बात करें चलो ये भी कल ही बताऊंगी ये भी कल ही बताऊंगी चलो टाड़ा बाय बाय सेशन पसंद आया हो तो सबका पहले तो धन्यवाद देखने के लिए यहां तक आपने एक घंटा पढ़ाई के लिए निकाला और डेली निकालिए एक, एक घंटा सेशन पसंद आया हो तो ये सब आप करिएगा नहीं भी करेंगे तब भी समस्या नहीं है बट खुशी होगी आपको भी अंदर से और मुझे भी होती ही है जब हम एक साथ आगे बढ़ते हैं बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं कई लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है उनको सीखने का मौका मिलता है तो मेरा भला अपने आप हो जाता है थैंक यू सो मच यार अच्छा लगा थैंक यू सो मच कल मिलेंगे नाइन थर्टी साढ़े नौ बजे ठीक है साढ़े नौ बजे रात को नाइन थर्टी फाइव के अराउंड फिर आगे की बात करेंगे बाकी बैचेज में जो क्लास चल रही है वो वैसे ही चलेंगी टेंशन मत लो गुड नाइट